1870 की फ्रेंको प्रशियन वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर और यहाँ तक कि कोल्ड वॉर में भी यूज किए जाने वाले स्पाई बलून्स हिस्टोरिकली तो इम्पोर्टेंट थे ही, लेकिन कुछ समय पहले ये बलून्स वापस चर्चा का विषय बन गए। पहली बार फ्रेंको प्रशियन वॉर में ये बलून्स आर्मी की मूवमेंट्स और आर्टिलरी की पोजीशंस को पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। वर्ल्ड वॉर वन में जर्मन पायलट्स के द्वारा इन्हें सॉसेजेस बुलाया जाता था, लेकिन ये बलून सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग और मिलिट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका इस्तेमाल नासा के द्वारा अर्थ एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस की ऑब्जर्वेशन में भी किया जाता है। जापान ने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान कुछ 9,000 बॉम्ब बलून्स अमेरिका की तरफ छोड़े थे। इस समय की बात करें तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने ये बात कही कि पिछले साल 2022 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर एक ऐसा ही स्पाई बलून देखा गया था जो हमारे मिसाइल टेस्टिंग एरियाज के काफी नजदीक है। लेकिन इस तरह के बलून्स को मौसम की जानकारी जुटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर ये बलून्स भी दूसरे देश में चले जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई इंडिया पाकिस्तान ने एक दूसरे के बलून्स पर कोई कार्रवाई नहीं करी थी।